अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन सुमन दृष्टि झरी आई। तो वास्तव में वो दृश्य वो रामलला का परिकल्पना कर सकते हैं उस त्रेता युग का, जब त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए थे तो सारे अवधवासियों ने घर घर से दीपक जलाए थे। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशी बह सरजू पावनी। नमस्कार, मैं हूं अभिनव सिंह और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम। नवभारत टाइम की जो टीम है इसमें धर्मनगरी अयोध्या के राम की पड़ी पर मौजूद है और आप मेरे पीछे साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बिल्कुल जो दिए बिछाने का जो कार्य है बिल्कुल अब आपने पूर्ण हो रहा है और दो दिन बाद ही दीपोत्सव मनाया जाएगा और इसमें दिए और बातियों का जो सामंजस्य होगा वो अपने में ही बेहतरीन होगा। और हमारे साथ करुणानिधान जी हैं जो कि राम जन्म भूमि में पुरोहित के रूप में विराजमान हैं। नमस्कार, सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री राम और नवभारत टाइम के सारे दर्शकों को आचार्य करुणानिधान की तरफ से सादर जय श्री राम। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है। क्यों खास है ये तो आप सब जानते हैं, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे प्रभु श्री राम लला श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में विराजमान हुए। उस त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे, लेकिन इस कलयुग में भगवान श्री रामचंद्र जी 500 वर्ष के लिए वनवास गए थे। तो वो वनवास का समय अब समाप्त हुआ है और हमारे श्री राम लला 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में विराजमान हुए और उनके विराजमान होने के बाद का यह पहला दीपोत्सव है, पहला दिवाली है जो अयोध्या के जन जन और कण कण के लोग यहाँ पर दीपोत्सव का आयोजन कर रहे हैं और दीपावली को अयोध्या धाम में मना रहे हैं। इस बार 8वां संस्करण है, कैसा लग रहा है? देखिए, 8वां संस्करण की अगर आप बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है ना, अवधपुरी अति रुचिर बनाई सुमन वृष्टि झरी आई, देवन सुमन वृष्टि झरी आई, अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन सुमन वृष्टि झरी आई। तो वास्तव में वो दृश्य वो रामलला का परिकल्पना कर सकते हैं उस त्रेता युग का, जब त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए थे तो सारे अवधवासियों ने घर घर से दीपक जलाए थे। तो इस बार का वही आयोजन आप देख रहे हैं राम की पैड़ी पर, और राम की पैड़ी ही नहीं अभी तो पूरे अयोध्या धाम में हर एक मंदिरों में हर एक लोग अपने घर पर चाहे वो किसी धर्म का हो सब लोग राम जी के स्वागत में दिए जलाएंगे, इस प्रकार का आयोजन इस बार का है। यह जो दीपावली है, दीपावली का जो त्यौहार है, ये त्रेता युग से चली आ रही है। जब भगवान राम श्रीलंका को लंका को फतह करके भारत लौटे थे, श्री राम अयोध्या धाम लौटे थे, लोगों ने खुशियों में दीप जलाए थे, कैसा लग रहा है? देखिए, वो क्षण की अगर आप बात करें तो वो क्षण ऐसा था ना, सत्य पे मतलब असत्य पे सत्य की जीत है ना, अहंकार पे जीत, क्रोध पर जीत वो दिखाता है, घमंड पर जीत वो दिखाता है। जब हमारे श्री रामचंद्र जी लंका अधिपति रावण को, रावण कम विद्वान नहीं था, आज तक रावण इतना विद्वान व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, उसने क्या था, उसको घमंड था कि हमसे बड़ा बलवान कोई नहीं है, हमसे बड़ा अभिमानी कोई नहीं है। तो इस बार के दीपोत्सव में आप अपना घमंड समाप्त कीजिए, अपना अहंकार समाप्त कीजिए, क्योंकि इस बार का दीपोत्सव भगवान श्री राम जी के प्रति है। और वो रामलला जब हमारे श्रीलंका से रावण को मारने के बाद या धर्म पर अधर्म पर धर्म का विजय पताका फहराने के बाद परम धाम अयोध्या में आए थे और धर्म ध्वज को स्थापित किया था, मर्यादा को स्थापित किया था और यह सिद्ध किया था कि हम क्यों राम जी को मर्यादित पुरुष कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र। सब यही चीजें तो हैं जो हम लोगों को, देखिए दीपोत्सव है या दीपावली है, सब चीजें भगवान हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते हैं, तो उसको ग्रहण कीजिए, अपने जीवन में उतारिए और उसको अपने जीवन में सार्थक करिए, तो कहीं ना कहीं वो दीपोत्सव आपके जीवन में भी और वो दिवाली आपके जीवन में भी हमेशा मनाई जाएगी जैसा अयोध्या धाम में मनाया जा रहा है। जब अयोध्या में पहली बार दीपोत्सव मनाया गया था तो तब 151,000 दिए जलाए गए थे और इस बार 8वां संस्करण है, लगभग 28 लाख दीयों को 32,000 वॉलंटियर जलाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो सही बात है कि जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो उस बार लगभग पहली बार जो दीपावली का आयोजन किया था लगभग 150,000 लोगों ने दिए को जलाया था और इसके बाद से धीरे धीरे इसकी संख्या 251,000 हुई, 3 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, 6 लाख हुआ, कहीं अगली बार 11 लाख हुआ, 11 लाख से 21 लाख हुआ और इस बार कितना दिव्य है कि इस बार लगभग 25 लाख से भी ज्यादा दीपक सिर्फ राम की पैड़ी पे जलाए जा रहे हैं। राम जन्मभूमि के प्रांगण में तो जलाया ही जा रहा है, राम जन्मभूमि तो अपने आप में दिव्य है क्योंकि वो वहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का यह पहला दीपोत्सव है प्राण प्रतिष्ठा के बाद का, तो वास्तव में बहुत दिव्य छटा है, पूरे घाटों पर दिए बिछाए जा चुके हैं, बहुत दिव्य छटा है। तो ये सारी चीजें अब अयोध्या में
आप देखने को मिल पा रहा है, जो सारे वॉलंटियर आप देख ही रहे हैं, कितनी कड़ी धूप है, आँख को खोलना भी मुश्किल है, और इस कड़ी धूप में लोग यहाँ पर दिए लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भगवान के प्रति समर्पण है। ये सारे विद्यार्थी लोग जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के हैं, उन लोगों का सार्थक कहीं ना कहीं प्रयास है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कितनी सुंदर तरीके से दियों को बिछाने का, देखिए आपने देखा होगा हर एक बार दिए लगाए जाते थे कार्यक्रम के एक दो दिन पहले, लेकिन इस बार लगभग 4-5 दिन पहले से ही घाटों पर सारे के सारे दिए जो हैं वो बिछा दिए जा चुके हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार राम जन्म डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित करेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर कीर्तिमान की बात करें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हमेशा से अपना कीर्तिमान तोड़ता रहा है, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और ये अवधवासी जितने भी छात्र हैं जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं, वो सभी लोग इस रिकॉर्ड को अपना ही रिकॉर्ड हर एक साल तोड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब तक तो इतना ज़्यादा कहीं दीपक एक साथ प्रज्वलित नहीं किया गया था, तो दिव्य है, अद्भुत छठा अयोध्या में देखने को मिलेगी उस 30 तारीख के शाम अयोध्या राम जी के नाम, तो इतना दिव्य दृश्य यहाँ पर नजर आएगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? निमान पांडे। कहाँ से आए? अयोध्या लोकल है। लोकल है आप। कैसा लग रहा है इस बार का दीपोत्सव? कितना अच्छा लग रहा है, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले से तो ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। अब पहले वाले जितने भी शुरुआत से हुआ, मैं तब से यहाँ पे मेंबर रह चुका हूँ, यहाँ पे मैं सब कुछ ज्वाइन करता हूँ। मैंने तो अपनी आंखों के सामने देखा अपने अयोध्या का विकास, कि इन दिनों कितना ज़्यादा हुआ है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर दीपोत्सव की भी तैयारियाँ और भी बढ़ चढ़ के हैं और काफ़ी अच्छा हो रहा है। भाई साहब क्या नाम है? अनु पाठक। कहाँ से आए? अकबरपुर अम्बेडकर नगर। यस। फैमिली आए हैं? अकेले आए? अकेले। कैसा लग रहा है इस बार का दीपोत्सव? आप देखेंगे और प्रांत निष्ठा के बाद ये पहला ऐसा दीपोत्सव होगा जो अपने में ऐतिहासिक भव्यता और दिव्यता के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। ये सब देख के अंदर से जो वाइब आ रही है ना, उसके ऊपर मैं एक शायरी कहना चाहूंगा। अयोध्या में है दिया, दिया में है तेल और बाती, आखिर 500 साल बाद हमारे राम जी की आई है हैप्पी दिवाली, वो भी बढ़िया वाली। और ऐसा लगभग कितने संस्करण आप यहाँ पर प्रतिभाग किए हैं? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम आपका? यस। आप इस समय राम की पड़ी भरी मौजूद है, आप साफ तौर पर पीछे देख पा रहे होंगे कि कितनी संख्या में लगा, यहाँ पर 55 घाट है राम की पड़ी पर, 55 घाटों को बिल्कुल सजाया गया है। आप साफ तौर पर पीछे देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ लेजर शो होगा यहाँ पर, जिसमें भगवान राम की बाल्यकाल की अवस्था से लेकर गुप्त, जब भगवान राम गुप्त स्थली जो मानी जाती है गुप्तार घाट, वहाँ तक का जो कथाएं होंगे उनको इन चित्रण के माध्यम से यहाँ पर दिखाया जाएगा। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लेजर शो के लिए जो साउंड सिस्टम है लगाए गए हैं, 32,000 वॉलंटियरों द्वारा लगभग 28 लाख दियों को दीप प्रज्वलित करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। नवभारत टाइम के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह।